जर्मनी के कब्जे में है हिंदुस्तान की मासूम आरिहा। पीएम मोदी से गुहार लगा रहा आरिहा का परिवार। आखिर जर्मनी के कब्जे में क्यों है मासूम आरिहा? बीत गए 2 साल, क्यों कुछ नहीं कर सकी सरकार? 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर गए हुए थे। ये वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, इसीलिए इस राज्य को उनकी जन्मभूमि भी कहा जाता है और इसी जन्मभूमि से उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी की। यही वजह है कि गुजरात की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक परिवार की तरह रिश्ता बन गया है। और इस परिवार से मिलने के लिए जब मुखिया नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को गुजरात के दौरे पर पहुंचे तो इसी गुजरात से आवाज उठने लगी, मोदी जी सेव आरिहा, मोदी जी सेव आरिहा, मोदी जी सेव आरिहा। गुजरात से क्यों उठी ये आवाज? कौन है ये मासूम आरिहा? क्यों उठ रही बचाने की मांग? गुजरात से उठती मोदी जी सेव आरिहा की आवाज के पीछे का राज समझने के लिए आपको करीब 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब साल 2021 के कैलेंडर में तारीख थी 21 सितंबर और गुजरात के अहमदाबाद से एक परिवार वर्क वीजा पर जर्मनी के शहर बर्लिन गया था। मन में न जाने कितने सपने लेकर जर्मनी जैसे बड़े शहर में गए इस परिवार की उस वक्त मानो जिंदगी ही उजड़ गई, जब 7 महीने की मासूम आरिहा के प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई और उसके माता पिता बच्ची को लेकर अस्पताल गए तो माता पिता पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया गया। ये सदमा आरिहा के माता पिता के लिए क्या कम था कि उनसे उनकी मासूम बच्ची को भी छीन लिया गया। बर्लिन के स्थानीय प्रशासन ने इस गुजराती परिवार की मासूम बेटी को उनसे छीन कर फोस्टर केयर होम भेज दिया और साल 2021 से ही बच्ची को उसी फोस्टर केयर होम में रखा गया है। इस घटना के बारे में आरिहा की मां धारा शाह ने बताया, 7 महीने की बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो जांच के बाद कहा गया कि सब ठीक है। बाद में फॉलो अप के लिए गए तो उन्होंने बच्ची को हमसे छीन लिया। हम पर भद्दा और झूठा आरोप लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हम सच्चे थे क्योंकि हम खुद डॉक्टर के पास लेकर गए थे। इसी घटना के बाद से ही आरिहा के माता पिता उसे हासिल करने के लिए जर्मनी से लेकर भारत सरकार सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें अब तक जीत नहीं मिल सकी, जिसके बाद आरिहा के माता पिता ने पीएम मोदी से भी आरिहा की भारत वापसी के लिए गुहार लगाई। एक बयान में आरिहा की मां धारा शाह ने कहा, सुषमा स्वराज एक माँ थी, इसलिए वो एक माँ का दर्द समझती थी। यहाँ तक कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा इस कारण का समर्थन किया। वो कहती थी, अगर बच्चा भारतीय नागरिक है तो हमें पता है कि अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। ये उनका स्टैंड था। मुझे भारत सरकार पर भरोसा है और मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार इस मामले में प्रधानमंत्री स्तर का हस्तक्षेप हो जाए तो मेरी बेटी जल्द ही वापस आ जाएगी। हम मानते हैं भारत सरकार कोशिश कर रही है, पर 20 महीने हो गए और इसमें बच्ची खर्च हो रही है। तो आप सोचिए, 20 महीने दो दो साल तक माँ के दूध पे जो बच्चे थे वो लेके चले गए, उस पर क्या बीती होगी? 7 महीने की बच्ची को उठा के रख दिया, बच्ची जैसे तैसे वहाँ पे सेट हुई होगी, वहाँ से उठा के तीसरी जगह पे डाल दिया, उसको मानसिक तनाव नहीं होगा? और ये हमेशा होता है, ये हम पहले इंडियन पेरेंट्स नहीं है, नॉर्वे में, यूएस में बहुत सही जगह होता है। आरिहा की माँ की इस गुहार के बाद से ही मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। साल 2021 के बाद से ही समय समय पर भारत और जर्मनी के बीच आरिहा का मुद्दा उठता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसी साल अगस्त में कहा था कि जर्मन राजदूत एकलमैन को बुलाया गया था और आरिहा पर भारत की चिंताओं से उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। भारत का मानना है कि बच्ची के लिए उसके भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण में रहना महत्वपूर्ण है। हमने इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी है। हमारा मानना है कि बच्ची को जर्मन पालक देखभाल में रखे जाने से उसके सांस्कृतिक अधिकारों और एक भारतीय के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमने बच्ची को जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। भारत इस मामले पर जर्मन अधिकारियों पर दबाव बनाना जारी रखेगा। जर्मनी के फोस्टर होम केयर भेजी गई इस मासूम बच्ची को भारत लाने के लिए मोदी सरकार भी जी जान से जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय और बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास लगातार आरिहा शाह की भारत वापसी की वकालत कर रहा है।
इससे पहले साल 2022 के दिसंबर महीने में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय एनालेना बेरबॉक को इस बच्ची के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार आर्या को वापस भारत ला पाएगी, क्योंकि फोस्टर केयर होम में रहते हुए आर्या को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अब वो करीब 2.5 साल की हो गई है और जर्मनी के नियमों के मुताबिक अगर किसी बच्ची को फोस्टर केयर होम में रहते हुए 2 साल हो जाते हैं तो उस बच्चे को उनके माँ बाप को नहीं लौटाया जाता। जर्मनी का यही नियम अब आर्या के माता पिता की टेंशन बढ़ा रहा है। आर्या की माँ धारा शाह कहती है, जर्मनी सरकार के नियमों के तहत अगर किसी बच्चे को फोस्टर केयर होम में रहते हुए 2 साल हो जाते हैं तो उस बच्चे को उनके माँ बाप को नहीं लौटाया जाता है। ऐसे में बच्ची की वापसी पर संकट आ जाएगा। कई भारतीय माता पिता ने इन आरोपों को झेला है और बच्चों को उनकी हिरासत से हटा दिया गया है। हर बार जब देश के प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं और समकक्ष से बात करते हैं तब इसमें मदद मिलती है। जर्मनी के नियम कानूनों की वजह से वहां के फोस्टर केयर होम में रखी गई मासूम आर्या की वतन वापसी की उम्मीद कम नजर आ रही है। यही वजह है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी जब गुजरात के दौरे पर गए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, मोदी जी सेव आर्या। हर कोई पीएम मोदी से आर्या के वतन वापसी के लिए गुहार लगाने लगा, क्योंकि जिस गुजरात से पीएम मोदी आते हैं उसी गुजरात की मिट्टी में आर्या का भी जन्म हुआ है। लेकिन आज वो जर्मनी के फोस्टर केयर होम में रहने को मजबूर है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।